राजा परीक्षित और मंडुकी की कथा। यह कथा महाभारत के अध्याय संख्या 191 से ली गई है। अयोध्या में एक इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न परीक्षित नामक एक राजा राज्य करते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए। घोड़े पर बैठे हुए राजा ने एक हिंसक जंतु को देखा तथा उसका पीछा किया। वह पशु उन्हें देखकर भागा। राजा ने उसका बहुत दूर तक पीछा किया, मगर वह जानवर राजा की आंखों से ओझल हो गया। मार्ग में राजा को थकावट लगी तथा वे भूख प्यास से भी व्याकुल हो गए। वे विश्राम के लिए उपयुक्त स्थान तथा पीने के लिए जल की खोज करने लगे। उसी समय उन्हें नीले रंग का एक दूसरा वन दिखाई दिया। वह वन अति घना था। राजा ने उसके भीतर प्रवेश किया। उस वन के मध्य भाग में एक सुंदर जलाशय दिखाई पड़ा, जिसमें बड़े बड़े कमल पुष्प खिले थे। उसे देखकर राजा ने सरोवर के जल में से पानी पिया, घोड़े को भी पिलाया तथा घोड़े के आगे कुछ कमल नाले डालकर उस जलाशय के तट पर ही लेट गए। लेटे लेटे ही उनके कानों में कहीं से मधुर गीत की ध्वनि सुनाई पड़ी। उसे सुनकर राजा सोचने लगे कि यहाँ तो मनुष्यों के निवास का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते, फिर यह किसका गीत है, कौन इस गीत को गा रहा है। राजा अभी सोच ही रहे थे कि उन्होंने देखा एक अत्यंत सुंदर कन्या वन के फूल चुनती हुई गीत गाती हुई धीरे धीरे उधर ही चली आ रही है। वह राजा के समीप आ गई। राजा उसके रूप को देखकर ठगे से रह गए। फिर कुछ स्वस्थ होकर उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और किसकी पत्नी हो। उस कन्या ने उत्तर दिया, मैं कन्या हूं, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। तब राजा ने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। कन्या ने कहा, एक शर्त पर तुम मुझे अपनी पत्नी बना सकते हो। राजा ने शर्त पूछी तो कन्या ने कहा, मुझे कभी जल का दर्शन मत कराना। तब राजा ने कहा, बहुत अच्छा, और उसके साथ वहीं पर गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात राजा परीक्षित आनंदपूर्वक उसके साथ क्रीड़ा विहार करने लगे। थक कर चूर होकर राजा बैठे ही थे कि इतने में उनकी सेना आ गई। तब राजा एक सुंदर व आरामदायक पालकी में उस नव विवाहिता पत्नी के साथ अपने नगर अयोध्या में आए और उसके साथ एकांतवास करने लगे। वहाँ कोई भी उनका दर्शन नहीं कर पाता था, हमेशा अंतःपुर की रक्षिकाएँ पहरा देती रहती थी। एक दिन राजा के प्रधानमंत्री ने पहरे में रहने वाली स्त्रियों से पूछा, यहाँ तुम लोगों को किस प्रकार की सेवा में रखा गया है। उन स्त्रियों ने कहा, हम यही चौकसी करती हैं कि अंदर पानी नहीं जाने पाए। उन रक्षिकाओं की बात सुनकर प्रधानमंत्री ने एक सुंदर उपवन लगवाया। प्रत्यक्ष रूप से तो उसमें कोई जलाशय नहीं था, उसमें बहुत सुंदर और ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगवाए गए थे जो फल फूल कंदमूल से भरे हुए थे। उस उपवन के मध्य भाग में किनारे की ओर स्वच्छ जल से भरी हुई एक बावड़ी भी बनवाई जो मोतियों के जाल से बनी थी। उस उपवन के तैयार हो जाने पर प्रधानमंत्री ने किसी दिन राजा से मिलकर कहा, महाराज यह उपवन बहुत सुंदर है, आप इसमें भली भांति विहार करें। मंत्री के कहने पर राजा ने उस नव विवाहिता रानी के साथ उस वन में प्रवेश किया। एक दिन महाराज उस रमणीय उपवन में अपनी उस रानी के साथ विहार कर रहे थे। विहार करते करते जब वे थक गए और उन्हें प्यास लगी, तब उन्हें लता मंडप के बीच स्वच्छ जल से पूर्ण बावड़ी दिखाई पड़ी। उसे देखकर राजा ने अपनी रानी से कहा, प्रिय सावधानी के साथ इस बावड़ी के जल में उतरो। राजा के कथनानुसार रानी ने बावड़ी में प्रवेश करके गोता लगाया और फिर बाहर नहीं निकली। राजा ने उस बावड़ी में रानी की बहुत खोज की, किंतु वह कहीं दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने वहां का सारा जल निकलवा दिया। इसके बाद एक बिल के मुंह पर एक मेढक दिखाई पड़ा। राजा को लगा कि इस मेढक ने ही मेरी प्रिया को निगल लिया है। इससे राजा को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने सभी मेढकों को मार डालने की आज्ञा दे दी। इस आज्ञा के अनुसार चारों ओर मेढकों का भयंकर संहार आरंभ हो गया। सभी मेढकों के मन में ये भय समा गया। वे डर कर मेंढकों के राजा मंडूक राज के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया। मेढकों की करुण कथा सुनकर मंडूक राजा परीक्षित के पास गए और कहा, राजन आप क्रोध के वशीभूत न हो, हम मेढकों पर कृपा करें और निरपराध मेढकों का वध करना बंद कर दें।
मेढकों की हत्या से आपको क्या मिलेगा? राजा परीक्षित का हृदय अपनी रानी के विछोह के कारण दुखी हो रहा था, अतः उन्होंने मंडुकराज से कहा, मंडुकराज, मैं इन मेढकों को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि इन दुष्टों ने मेरी रानी को खा लिया है, इसलिए इनका विनाश आवश्यक है। राजा की बात सुनकर मंडुकराज का मन और इंद्रियां व्यथित हो उठी। उसने कहा, महाराज आप प्रसन्न हो, मेरा नाम आयु है, मैं मेढकों का राजा हूँ। जिसे आप अपनी रानी कहते हैं वह मेरी ही पुत्री है, उसका नाम शोभना है, वह आपको छोड़कर चली गई है, यह उसकी दुष्टता है। उसने पहले भी बहुत से राजाओं को धोखा दिया है। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी उस पुत्री को चाहता हूँ, उसे मुझे समर्पित कर दो। तब मंडुकराज ने अपनी पुत्री मंडुकी को बुलाया और उसे राजा को समर्पित कर दिया और उसे सीख देते हुए कहा, पुत्री सदा राजा की सेवा में रहना। मंडुकी को पाकर राजा ऐसे प्रसन्न हुए मानो तीनों लोगों का राज मिल गया हो। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक मंडुकराज को प्रणाम किया, तत्पश्चात मंडुकराज वहां से चले गए।